तो भाई लोग, आईपीएल का मैच आ चुका है और आईपीएल में इन्वेस्टमेंट कैसे करना है कि आप प्रॉफिट में रहें, उसकी मैं 3 टिप्स देने वाला हूं जिसको आप फॉलो करके आसानी से प्रॉफिट में रह सकते हो आईपीएल में। बट आपको वीडियो को फुल देखना होगा, फुल वॉच करना होगा, तभी आपको वीडियो समझ में आएगी। और 3 बेहतरीन टिप्स हैं जिसको आप फॉलो करेंगे तो जरूर 100% मेरा गारंटी है कि आप प्रॉफिट में आ जाएंगे। तो वीडियो पर बने रहें और वीडियो को फुल तक देखें। तो इस आईपीएल में 70 मैच होने वाले, टोटल 70 मैच। तो 70 मैच में से आपको किस हिसाब से चलना होगा कि आपको प्रॉफिट हो। प्रति मैच आपको खेलना है, ये खेलना है, आप हर मैच खेलेंगे तो हर मैच को खेलने के बाद आपको प्रॉफिट कैसे निकल के आएगा, कैसा इन्वेस्टमेंट प्लान है, उसको आप जरूर देखें। तो सबसे पहले 70 मैच है, तो 70 मैच में मैं 17 वाली लीग इंटू, सबसे पहले आप एक मैच में कितने कॉन्टेस्ट ज्वाइन करेंगे, 10 ज्वाइन करेंगे या फिर 20 करेंगे या फिर 15 करेंगे, उसका सिलेक्शन करें। उसके बाद कॉन्टेस्ट के बाद आप कौन सी लीग ज्वाइन करना चाहते हैं, 17 वाली, 27 वाली या फिर उससे बड़ी बड़ी, जी मतलब आपके बजट के हिसाब से, आप कितना बजट है उस हिसाब से आप सेलेक्ट कर लें। तो मैं 17 वाली पकड़ता हूँ, 10 × 17, 170 रुपये की लीग हुई एक मैच में, मतलब 10 कॉन्टेस्ट मैंने ज्वाइन किए 17 वाली 170 रुपये के एक मैच में। अब 170 रुपये प्रति मैच मेरा इन्वेस्ट जा रहा है, तो × 70 मैच मतलब 11,900 रुपये, 70 मैच में मैं खेलूँगा, 11,900 रुपये लगेंगे 170 × 70। ठीक है, अब हमारा इतने का इन्वेस्ट हुआ तो हमारा प्रॉफिट कैसे होगा, अब हम कितने मैच खेलेंगे, कितना प्रॉफिट होगा, तो हमको क्या करना है। वे फर्स्ट टिप्स है, इसमें हमको इक्वल इन्वेस्टमेंट करके चलना है। इक्वल इन्वेस्टमेंट मतलब 170 हर मैच में आपको इन्वेस्ट करते जाना है। ठीक है, अब 11,900 रुपये का इन्वेस्ट हुआ आपका इस मैच में, 11,900 रुपये का इन्वेस्ट हुआ, तो हमारा प्रॉफिट कितने मैच में, तो ये 170 रुपये प्रति मैच हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो 170 रुपये प्रति मैच इन्वेस्ट कर रहे हैं, 170 रुपये एक मैच में लगा, तो हम विन करने पे कितना मैच, कितना रुपये जीतेंगे, तो एक कॉन्टेस्ट कुछ विन करेंगे 44 रुपये × 10, मतलब 10 कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लिए फर्स्ट मैच में, और जो विन कर गए तो 440 रुपये हमारा विनिंग हो गया, तो हम 440 रुपये प्रति मैच विनिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो हमको कितने मैच में विनिंग करेंगे तो हमारा प्रॉफिट निकल जाएगा, इन्वेस्टमेंट निकल जाएगा और प्रॉफिट होगा। तो हम इंटू करते हैं 28। तो हम 28 मैच में अगर लगातार विन कर चुके या फिर छोड़ छोड़ के विन करेंगे तो हमारा प्रॉफिट होगा, मतलब इन्वेस्टमेंट निकल जाएगा, कुछ प्रॉफिट हो जाएगा 500 रुपये तक का। ठीक है, तो हमको 70 में से 28 मैच विन करने होंगे तो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। तो 70 में से 28 मैच आसानी से आप विन कर सकते हैं, इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आप एक दो मैच हारेंगे, दूसरा तीसरा जीतेंगे, मतलब इस जो 3 मेंबर की लीग होती है वो ये बताती है कि हम हर तीसरा मैच जो है विन करते हैं, हर तीसरा जो मैच रहता है वो विन करते हैं, तो इस हिसाब से आप प्रॉफिट में जरूर आएंगे। अगर इक्वल इन्वेस्टमेंट करके चलते हैं तो आप प्रॉफिट में जरूर आएंगे। अब हमारी दूसरी टिप्स है, उसको फॉलो करेंगे तो आप इससे भी ज़्यादा प्रॉफिट में आ सकते हैं। अब इस दूसरी टिप्स में जो बात है, वो पहले मैच में मैं 17 रुपये का इन्वेस्टमेंट करूँगा। ठीक है, तो दूसरे मैच में कितना करूँगा, दूसरे मैच में 17 × 34 रुपये लगाऊंगा। ठीक है, पहले मैच में मैं 17 रुपये का ज्वाइन कर रहा हूँ, दूसरे मैच में 34 रुपये का ज्वाइन कर रहा हूँ, प्लस तीसरे मैच में 51 का ज्वाइन कर रहा हूँ। हर मतलब हर मैच में एक एक कॉन्टेस्ट जो है आपका बढ़ाना है, मतलब फर्स्ट मैच में अगर एक लीग ज्वाइन की, दूसरे में दो लीग, तीसरे में 3 लीग, चौथे में 4 लीग, पांचवे में 5 लीग, ऐसे आपको बढ़ाना है। ठीक है, अब देखिए, पहले मैं 17 की लीग ज्वाइन की, दूसरे में 34 की, तीसरे में 51 की और चौथे में 68 की, टोटल आपका इन्वेस्ट हुआ 170 रुपये। ठीक है, अब आपने जो है पहला मैच हार गया, दूसरा मैच हार गया, तीसरा मैच हार गया, चौथा आपने विन किया। ठीक है,
बात को समझिएगा, इन्वेस्टमेंट 170 रुपये 4 मैच तक किया, पहला मैच हार गए, दूसरा मैच हार गए, तीसरा मैच हार गए, चौथा विन कर गए, तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ? 1 लीग 17, 17 के लिए 1 लीग जीत कर रहे हैं आप, तो 44 रुपये जीत रहे हैं, ठीक है। तो आपने चौथे मैच में 4 लीग ज्वाइन की, तो 44 × 4 हुआ 176 रुपये, माइनस 170 रुपये, आपका 6 रुपये का प्रॉफिट हुआ चौथे मैच में। अगर 3 मैच आप हार गए हैं, चौथा मैच जीत रहे हैं, तो आपका 6 रुपये का प्रॉफिट हुआ। मतलब आपके इन्वेस्टमेंट से हिसाब से अगर ज़्यादा आप कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर रहे हैं, तो आपका ज़्यादा ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो उस हिसाब से आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ा के चलें, और प्रॉफिट इसमें बहुत ज़्यादा होता है। ये तो मैं आप कम करके बता रहा हूँ, क्योंकि वीडियो जो है लंबी ना हो, उसके हिसाब से मैं कम करके बता रहा हूँ। आप इक्वल आप खुद कैलकुलेट करेंगे, तो आपको पता चलेगा प्रॉफिट कितना होता है। हमारा जो तीसरा टिप्स है वो है डबल, मतलब डबल करके चलेंगे, ठीक है। तो पहले मैच में 17 दिन में 34 रुपये का लीग ज्वाइन करेंगे, 2 कॉन्टेस्ट। अब दूसरे मैच में हमको क्या करना है, दूसरे मैच में हम क्या करेंगे, 34 × 68 रुपये, 34 × 68 रुपये का लीग कॉन्टेस्ट ज्वाइन करेंगे, ठीक है। अब तीसरे में 68 × 2 कितना हुआ, 136, 136 का कॉन्टेस्ट ज्वाइन करेंगे, ठीक है। अब चौथे मैच में 136 × 276, 272 रुपये, ऐसे हम करके चलेंगे, प्रति मैच डबल करके मैच चलेंगे। इसमें आपका ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के लिए बजट रहना चाहिए। अगर आपके पास बजट बहुत ज़्यादा है, तब आप ऐसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट इसमें प्रॉफिट होगा तो बहुत ही तगड़ा प्रॉफिट होगा। एक ही अगर मैच आप विन करेंगे, तो कई सारे प्रॉफिट बढ़ा देंगे, मतलब आपका इन्वेस्ट जो होता है वो रिकवर हो जाएगा, और उससे भी ज़्यादा आपको प्रॉफिट हो जाएगा। इसमें कैसे होगा मैं समझाता हूँ, इस वीडियो को देखें। अब देखिए आपका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, 510 रुपये का है, 4 मैच तक, 1 2 3 4, 4 मैच तक 510 रुपये का इन्वेस्ट हुआ आपने। अगर मान लीजिए पहला मैच हार गया, दूसरा मैच हार गया, तीसरा मैच हार गया, चौथे को विन कर गया, ठीक है। पहला मैच हार गए, दूसरा तीसरा हार गए, चौथे को विन कर गए, ध्यान से देखिएगा, 272 रुपये, ठीक है। अब 272 रुपये, तो हमने कॉन्टेस्ट कितने ज्वाइन किए चौथे मैच में, 272 17 16 कॉन्टेस्ट ज्वाइन किए, ठीक है। 510 रुपये का इन्वेस्टमेंट हुआ है 4 मैच तक, और चौथे मैच में मैंने 16 कॉन्टेस्ट ज्वाइन किए 272 रुपये के, ठीक है। 16 16 16 विन गए, विन कर गए, 44 × 16, तो हमारा कितना विनिंग कितना हुआ, 704 रुपये के। अब 704 रुपये का विनिंग हुआ, इसमें से 510 रुपये माइनस कर देंगे, हमारा प्रॉफिट कितना निकल के आया, 194 94 रुपये का, 194 रुपये का हमारा प्रॉफिट होगा। इन्वेस्टमेंट हमारा 510 का हुआ था, और एक ही मैच में हमने 704 रुपये विन कर गए। तो ये इन्वेस्टमेंट जो है बहुत ही फाड़ू है, और इस इन्वेस्टमेंट को अगर आप फॉलो करेंगे, तो आप बहुत ही जल्दी आप करोड़पति बन जाएंगे, मतलब बहुत ही जल्दी आप आसानी से विनिंग करते जाएंगे। आपको लॉस कितना हो रहा है उससे मतलब नहीं, आप प्रॉफिट बहुत ही ज़्यादा होगा, उससे भी डबल टेबल होगा। तो उम्मीद है ये जो वीडियो है आपको समझ में आई होगी, और वीडियो के हिसाब से अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, और इस IPL में तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट बना लेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। ओके, थैंक यू।